आप देख रहे हैं सिटीलियन न्यूज चैनल, हक की आवाज। नाज़रीन आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़, मैं हूं नौशी। रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर से मुतसिला वाड़ा नामी इलाके में वाक़े कोरोना सेंटर में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें चार मरीजों के हलाक होने की इत्तला मिली है, जबकि मजीद दो की हालत बेहद तश्वीशनाक बताई जा रही है। मौसला इत्तला के मुताबिक अस्पताल में ज़ेर इलाज 27 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और अस्पताल को मुकम्मल तौर पर खाली करा दिया गया है। हुकाम की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक अस्पताल में चार अफराद की लाशें मिली, जिनमें दो की हालत तश्वीशनाक है। नागपुर के वाड़ा में वाक़ इस अस्पताल में 30 बिस्तरों की सहूलियात है, जिसमें से 15 इंतहाई निगहदाश्त यूनिट थे। नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ फायर ऑफिसर राजेंद्र आचके ने मीडिया को बताया कि अस्पताल की दूसरी मंजिल पर वाक़ ICU के AC यूनिट में ये आग लगी। आग इस मंजिल तक ही महदूद रही और मजीद फैल नहीं सकी। आग पर फिलहाल मुकम्मल काबू पा लिया गया है। आग की स्वादर से जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त अस्पताल में महदूद तिबी अमला मौजूद था। इसी बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सानहे पर इजहार ताज़ियत किया है। नागपुर में मुखिम अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने भी ताज़ियत का इजहार करते हुए मुकामी कलेक्टर से बातचीत करते हुए राहत कामों की तफसीलात तलब कर फौरी इकदाम करने का हुक्म दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़।